गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 11th. दिस इज चैप्टर 22 पार्ट 2. इन प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एंड द वर्क ऑफ हार्मोन. वी डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड. इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एड्रीनल ग्लैंड, राइट? एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर कोर्स, राइट? इसके बाद आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा सेकेंड टर्म का, राइट? सो एड्रीनल ग्लैंड, देयर इज वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी. द ग्लैंड इज कम्पोज टू टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यूज इज कॉल्ड एड्रीनल मेड्यूसा एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स. सो बेटा, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड को. ये एड्रीनल ग्लैंड किडनी के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होती है. उसके आउटर पार्ट को हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके इनर पार्ट को एड्रीनल मेड्यूसा हम कहते हैं. द एड्रीनल मेड्यूसा सिक्रेट्स टू हार्मोन कॉल्ड एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिक एंड नॉर एड्रीनलिन. ओके बेटा, और नॉर एपिनेफ्रिक. दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकेलोमाइंस. सो बेटा, एड्रीनल मेड्यूसा दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, राइट? और इन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, कंबाइंड रूप से कैटाकेलोमाइंस कहते हैं. बोथ ऑफ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंट्रेक्शन एंड द ट्रैक एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, कैटाकेलोमाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कंट्रेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. सो बेटा, ये कैटाकेलोमाइंस बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, ग्लाइकोजन कंट्रोल, ग्लूकोज कंट्रोल, और इसी टाइप से बेटा ये ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन में भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. इसी टाइप से हमने देखा था जो एड्रीनल का आउटर पार्ट था, इसे हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा था, विच इज़ डिवाइडेड बाय 3 लेयर्स, जोना रेटिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरिस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा, विच इज़ इनर लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर. सो बेटा, ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो रहता है, 3 लेयर्स इसकी प्रेजेंट होती है. आउटर लेयर को हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर को हम जोना फेसिकुलेटा, और इनर लेयर को जोना रेटिकुलेरिस हम कहते हैं. द एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स मैनी हार्मोन कॉल्ड कैटाकेलोमाइन, कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. दीज कॉर्टिकॉइड्स विच इन्वॉल्व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. इन द बॉडी मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ओके बेटा, सो बेटा ये जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के रेगुलेशन करते हैं. अगर ग्लूकोज का रेगुलेट कर रहे हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम इन्हें कहेंगे, राइट? इसी टाइप से मिनरल्स का करते हैं तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लाइकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस एंड इनहिबिट सेलुलर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन. सो बेटा, ये डिफरेंट टाइप की जो वर्क कर रहे हैं, इनमें ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हैं, मीन्स जो है प्रोटीन और डिफरेंट टाइप से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? लिपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स भी हो रहा है. ओके, सो इनके ये वर्क हमने देखे. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. एल्ड्रेस्ट्रॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन अवर बॉडी. ये बेटा वाटर के कंट्रोल में हेल्पफुल होते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली स्टिमुलेट, ओके ये हमने डिस्कस कर लिया था. एल्ड्रेस्ट्रॉन आर मेनली एट द रीनल ट्रिब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट आयन्स. दीज एल्ड्रेस्ट्रॉन हेल्प इन द मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूड्स, वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ऑल्सो सिक्रेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स विच प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर. सो बेटे, ये डिफरेंट टाइप के वर्क कर रहे हैं. एल्डेस्ट्रॉन जो है वो पोटेशियम और सोडियम के बैलेंसिंग का भी वर्क कर रहा है, और वाटर के बैलेंसिंग का भी ये वर्क कर रहा है. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का ये वर्क करते हैं. ओके बेटा, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैनक्रियाज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड. मिक्स ग्लैंड भी है ये बेटा, राइट?
सो पेनक्रियाज इज द कंपोजिट ग्लैंड विच बोथ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन पेनक्रियाज कॉन्सिस्ट आइसलैंड ऑफ लैंगरेंस. दीज आर मेनली टू सेल्स. आइसलैंड्स ऑफ लैंगरेंस आर कॉल्ड अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स. अल्फा सेल्स बेटा जो होती है बेटा, अब ये पेनक्रियाज क्या है, ये मिक्स ग्लैंड है. एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करती है, एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करती है. एंजाइम हार्मोन दोनों सिक्रेट करती है. यहाँ हार्मोन की तरह वर्क करने के लिए यहाँ दो सेल्स प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज अल्फा सेल और सेकेंड इज बीटा सेल. अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को अप करता है. और जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है. ये क्या होता है, ये ब्लड में शुगर लेवल को डाउन करता है. सो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, एंटागोनिस्ट होते हैं. इनका जो वर्क होता है वो एंटागोनिस्ट होता है, राइट. सो द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड मेंटेन बाय द टू इंसुलिन ग्लूकागॉन एंड टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. अभी हमने देखा था ग्लूकोज का जो मेंटेनेंस होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, यस. प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया लेड्स. ओके बेटा, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक डिजीज सुनी होगी, डायबिटीज मेलाइटस, जो कि किससे रिलेटेड होती है, इंसुलिन से. ब्लड में अगर इंसुलिन कम होगा सो बेटा क्या हो जाएगा, ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाएगा. और ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो डिजीज कौन सी हो जाएगी, विच इज डायबिटीज मेलाइटस, राइट. नाउ वी डिस्कस अबाउट टेस्ट्रीज. अ पेयर ऑफ टेस्ट्रीज इज प्रेजेंट इन द स्कॉटल सैक ऑफ द मेल इंडिविजुअल. टेस्ट्रीज परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. टेस्ट्रीज इज कंपोज सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स एंड स्ट्रोमल इंटेस्टाइनल टिश्यूज. द लीडिंग सेल इंटस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन इंटर ट्रिब्यूलर स्पेस प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ हॉर्मोन कॉल एंड्रोजन्स. सो बेटा अब हम टेस्ट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं. टेस्ट्रीज क्या है, सिंगल पेयर में प्रेजेंट होती है. और इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स. इन सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स के मिड पार्ट में आपको पता है लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है. फंक्शन ऑफ एंड्रोजन्स आपको पता है, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे वो कौन करेगा, उसको एंड्रोजन अफेक्ट करेंगे. एंड्रोजन रेगुलेट्स द डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडामिस वास डिफरेंट सेमिनल वेसाइकल प्रोड्यूस. ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा, इन सब के फॉर्मेशन में, इनके रेगुलेशन में ये हेल्प करता है. द हॉर्मोन स्टिमुलेट मसल ग्रोथ, ग्रोथ फेशियल एंड एक्सियल हेयर. और स्पर्मेटोजेनेसिस, बेटा ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स के फॉर्मेशन में भी, एक्टिवेशन में भी इनमें हेल्पफुल करता है. एंड्रोजन्स एक्ट ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर. ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट ओवरी. फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन. ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, ओवरी प्रोड्यूस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, राइट, स्ट्रोमल टिश्यूज. सो बेटा ओवरी सिंगल पेयर में फीमेल में प्रेजेंट होती है. यहाँ ग्राफियन फॉलिकल होता है जिससे ओवम बनता है ना बेटा. और यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, फर्स्ट एस्ट्रोजन एंड सेकंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं. सो एस्ट्रोजन इज सिंथेसिस एंड सिक्रेटेड मेनली द ग्रोविंग ग्राफियन फॉलिकल, ओवियन फॉलिकल से ये सिक्रेट होता है. ओके, और एस्ट्रोजन प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस. फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के ये डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है. एस्ट्रोजन रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को ही रेगुलेट करता है. आफ्टर ओव्यूलेशन द रिपेयर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. अब बेटा ओव्यूलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बचती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करेगा. प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड. ओके, मेमरी ग्लैंड के भी फॉर्मेशन और वहाँ पे एल्वोलाई के फॉर्मेशन में, डक्टस ग्रोथ, फॉलिकल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, मिल्क सिक्रेशन में हेल्पफुल होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अब यहाँ से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं और वो कौन से वर्क कर रहे हैं. द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट. अब एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से ANF, एट्रियो नेट्रियोटिक फैक्टर
सिक्रेट होता है, जो आपको पता है बेटा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को भी इफेक्ट करता है और इसी टाइप से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। द जक्स्ट्रा मेडुलर सेल्स ऑफ किडनी GG अपर्चर्स और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करती है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सिक्रेट करती है, ये फॉर्मेशन ऑफ RBC को अफेक्ट करता है। थर्ड इज एंड्रोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल हार्मोन रिलीज होंगे और ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अदर एंजाइम्स को जिनसे डाइजेशन प्रोसेस होता है, जैसे गैस्ट्रीन है, सिक्रीटिन है, CCK है, कोलेसिस्टोकाइनेज है, GIP है, एंटेरोकाइनेज है, इसी टाइप से ड्यूरोकाइनेज है ओके। सो गैस्ट्रीन एक्ट एज द गैस्ट्रीन ग्लैंड पे वर्क करता है और HCl को सिक्रेट करने के लिए स्टार्टर करता है। सिक्रीटिन भी इस टाइप से क्या करता है, पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है और वाटर और बायोकार्बोनेट्स आयन के उसमें मेंटेनेंस में हेल्प करता है। कोलेसिस्टोकाइनेज बोथ एक्ट्स एंड बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो कोलेसिस्टोकाइनेज पेनक्रियाज पे और गॉल ब्लैडर दोनों पे वर्क करता है। बाइल जूस के सिक्रेशन में भी हेल्पफुल होता है, एंजाइम के सिक्रेशन में भी हेल्पफुल होता है। GIP गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हेल्पफुल होता है। एंटेरोकाइनेज क्या करता है बेटा, लिबरकुलन की जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुलन है वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन में स्टिमुलेट करने में हेल्पफुल होता है। ड्यूरोकाइनिन सिक्रेट्स ब्रूनर ग्लैंड। आपको पता है ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा में ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सो वहाँ म्यूकस सिक्रेशन में हेल्पफुल होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, नाउ वी डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, किस टाइप से हार्मोन हेल्पफुल होता है, मैकेनिज्म होता है। हार्मोन प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ टारगेट टिश्यूज ऑफ बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल हार्मोन रिसेप्टर। अब बेटा हार्मोन जो है वो हार्मोन रिसेप्टर पे, टारगेट टिश्यू के हार्मोन रिसेप्टर पे अटैच होगा। हार्मोन रिसेप्टर प्रोड्यूस प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। सेल मेम्ब्रेन पे, टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, राइट। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टन बायोकेमिकल चेंजेस। अब जितने भी बायोकेमिकल चेंजेस है वो हो जाते हैं, मीन्स हार्मोन अपना वर्क करता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन। सो हार्मोन विच इंट्रैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंडिंग रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब कई हार्मोन जो होते हैं डायरेक्ट वर्क नहीं करते, कुछ आयन सिक्रेट करते हैं जैसे कैल्शियम आयन AMP और साइक्लिक AMP, इस टाइप से वर्क करते हैं और फिर ये आगे जाकर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। अभी स्टेरॉइड हार्मोन कैसे वर्क करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोजोम फंक्शन ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये जीन इंट्रैक्शन से अपना वर्कआउट करते हैं, राइट। स्टेरॉइड हार्मोन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोजोमल फंक्शन बाय द इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम, ओके। बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। इसी से फिजियोलॉजिकल फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं और सेल में उनका वर्क होता है, राइट। अभी डायग्राम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशंस ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। आपको पता है सबसे पहले बॉडी में अपर पार्ट में हाइपोथैलेमस होगा, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड दिस टाइप से टेस्टिस एंड ओवरीज होंगी, ये इनकी लोकेशन है, ओके। सो ये दिस इज द कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर।